हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूं, आई होप कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं और अंकित हम लोग दोनों गांव आ चुके हैं क्योंकि मेरा दृढ़करण के लिए क्लास जो है शुरू हो चुका है। तो अभी हम लोग का हुलसू मंडले में हम लोग सीखेंगे, उसके बाद गोविंदपुर जाएंगे। तो इसीलिए क्लास करने के लिए मैं आ चुकी हूँ गांव। और मेरा मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम फिर भी सेंटर में देना है, तो उसका भी रूटीन नहीं निकला है। तो तब तक इधर ये क्लास तो शुरू हो चुका है। हमको लगता है मेरा जब दृढ़करण होगा मैं उसी समय शायद एग्ज़ाम लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं बीच में फंसूंगी क्या, पर कोई नहीं, देखते हैं, मैनेज करूँगी। और मैं मेरे घर के पीछे साइड आई हूँ, ये दादू का नाम से गाड़ा गया पत्थर है, देख सकते हैं। और इधर हम लोग का घर है, इधर में ये तो ये है गुहार घर है मंजिल चाची लोग का, हम लोग का उधर साइड में है, उधर साइड में है वो, देखिए ये वाला नहीं, ये तो सुअर गुड़ा है। अभी जस्ट घर पहुंचे हैं और मैं अपना स्कूटी लेके नहीं आई हूँ, मैं अंकित का बाइक से आई हूँ। आज फर्स्ट टाइम अंकित नॉर्मल स्पीड में बाइक राइड किया था क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी उसको कि स्पीड मत चलाओ ऐसे, और उसका गाड़ी में पीछे तरफ नंबर प्लेट नहीं था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, और आगे तरफ तो है नंबर प्लेट, तो पीछे का एक्सीडेंट करके पूरा तोड़ दिया है। अभी गांव से अगर कहीं मुझे जाना हुआ तो मैं पैदल ही जाऊंगी क्योंकि अंकित का बाइक तो मैं राइड कर पाऊंगी, लेकिन उसमें गियर वो ख़राब किया है ना, तो मुझसे गियर नहीं लगता है, उसका पूरा गियर ढीला हो गया है और मतलब ख़राब हुआ है उसका गाड़ी, ख़राब गाड़ी तो नहीं राइड कर पाऊँगी। और साइड में चिड़िया लोग का चहचहाहट यहाँ पर आप लोग सुनाई दे रहा है, इधर बांस का झुंड में क्या क्या पक्षी सब है। अभी मैं ड्रेस पहनी चेंज की हूँ और पानी वगैरह भी कुछ नहीं पी हूँ, तो अभी जा रही हूँ ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ऐसे पेड़ के नीचे रहने से ना, यहाँ देख सकते हैं ये बड़ी दरू बरगद का पेड़ है ना, बर पेड़, आप लोगों को बताई थी ना टेक चैनल में बड़ी दरू, ये देख सकते हैं कितना छाया है यहाँ। ऐसे पेड़ के नीचे रहने से ना उतना गर्मी का एहसास नहीं होता है। ऐसे तो मेरे घर में पंखा वगैरह कुछ नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं उसके बाद में। ओके, कितना चिल्ला चिल्ला के बात करें, वहां तक बाहर बैठे हैं वहां तक सुनाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं अंदर वाला रूम को ना माँ लॉक कर दी है और इसका मुझे चाबी नहीं मिल रहा है। रांची से जो कपड़ा लेके आई हूँ उसी को चेंज कर लेती हूँ। ऐसे तो उसमें है मेरा पहनने वाला कपड़ा, और जो कपड़ा है वो इस वाले अंदर वाला रूम में है जो कि लॉक लग चुका है, तो मैं क्या पहनूंगी, जो लाई हूँ उसको चेंज करती हूँ। और अंदर उमर भी जा नहीं सकती जब तक माँ नहीं आएगी, और माँ काम करने गई है शायद। माँ तो कुछ कुछ करते रहती है, जैसे कि सहू लोग का खेत में काम करती है, कुछ कुछ खरपतवार और खड़ा ये सब काटना, कुछ कुछ यही सब क्या क्या काम करते रहती है माँ। तो अभी घर पे नहीं है वो, शाम में आई थिंक आएगी। ड्रेस मैं चेंज कर ली हूँ और अभी तो 1 बज रहा है, थोड़ा देर में जो भी काम है घर का वो सब करेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और यहाँ मैं चटाई भी छाली हूँ, ये देख सकते हैं, और मेरे पास है ये बिस्किट और ये पानी। खाना एक भी नहीं है घर में, पता नहीं माँ क्या खाई, बासी वाला खाना है लेकिन सब्जी एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद में जो भी घर का काम है वो करूँगी। मेरा दूसरे मोबाइल में देखिए फूआ लोग कितना मूवी देख रहे हैं, मूवी देखने में इतना व्यस्त है ना कहना ही नहीं। साउथ में दादा में नीलेश और सुशीला अपनी नानी घर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और नीलेश को देखिए वो भी मूवी देखने में कितना बिजी है, कितना चाव से देखा है मूवी। मेरा छोटा भाई आ चुका है स्कूल से, देख सकते हैं आप लोग। और ये ड्रेस भी निकला है, वो भी मूवी देखने के लिए मेरे घर आ चुके हैं। मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ पानी लाने, बर्तन वगैरह धोने, और एक बार तो गहरी नींद में सो गई थी, शाम के 4 बज चुके हैं। तो जाती हूँ पानी लेके आती हूँ और बर्तन वगैरह धोऊंगी, वैसे मिलती हूँ आप लोगों से, पानी लेके आती हूँ उसके बाद और बर्तन धो के आती हूँ उसके बाद, ठीक है। फ़ोन मैं चार्ज में लगा के जा रही हूँ, अभी लाइट है इसलिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। और आप लोग देखे ही हैं चूहा में बर्तन धोते हैं, कुआं से पानी लाते हैं, तो वहाँ मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही, गिर जाता है कभी कभी इसलिए, ठीक है। ये हम लोग का क्रिसमस वाला ये ना टूट गया है इधर उधर, लेकिन इसको खोल नहीं रहे, अच्छा दिखता है, बच्चा लोग आता है तो छूते रहता है इसलिए। मैं बर्तन धो के आ चुकी हूँ और पानी भी 2 बार कुआं से ला चुकी हूँ, और अभी जा रही हूँ लकड़ी तोड़ने और आधन चढ़ाती हूँ खाना के लिए, बहुत भूख लग रहा है, अब सुबह का खाया हुआ देख सकते हैं, इसी को ले जाते हैं, सूखा हुआ है ये सब। ये मैं इतना ले ली हूँ, इतना ही ले जाती हूँ, और पहले मैं आग सलगाती हूँ और आधन चढ़ाती हूँ,
फिर बाद में ले जाऊंगी जब जरूरत होगा। यहाँ काफी सारा लकड़ी है, ये देख सकते हैं आग में सलगा ली हूँ, अब इसमें पानी चढ़ाती हूँ। ये आधा मैं चढ़ा ली हूँ, अब पानी गर्म होगा तो चावल डाल दूंगी। और अभी जा रही हूँ मैं घर झाड़ू करने। यहाँ से शुरू करते हैं घर झाड़ू करना, जो कि देख सकते हैं लास्ट है घर का। देख सकते हैं इस तरह से बांस का पत्ता मेरे घर में गिर के ऐसे घुस जाता है, क्योंकि ना इधर साइड में मेरे घर के पीछे इधर साइड में बांस का पेड़ है, इसी वजह से। देख सकते हैं पूरा घर को पहले झाड़ू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अंदर रूम को भी मिट्टी के घर में ऐसा वाला झाड़ू से करते हैं, ये देख सकते हैं। और इसको हम लोग जो नाव बोलते हैं मुंडारी में, बढ़नी है, ठीक है। आधन हो चुका है तो अब चावल डालते हैं हम लोग। बेसिकली चावल जो मिलता है वो सबको ऐसे जो बड़ा बड़ा डेचकी होता है उसमें भर भर के रखते हैं। ये देख सकते हैं इसमें इतना चावल भरा हुआ है, आधा ही है भरा हुआ, नहीं तो। तो ये है पतकी बोलते हैं हम लोग, चुम्बे हो गया है, ऐसे तो नहीं था, पता नहीं इधर कैसे लेचो हो गया है इस साइड। तो ये ना 1 किलो पकड़ता है ये वाला, ठीक है। एक पहले बोलते हैं, लेकिन किलो पकड़ता है हम लोग का, पहले थोड़ा बड़ा है। इससे जो है रात में हम लोग कितना बनाते हैं पता है, 1 किलो बनाते हैं इतना। ये सूप में मैं चावल ले रही हूँ। मामी रात में जो ले, देख सकते हैं चावल पूरा साफ है, ऐसे जो व्हाइट व्हाइट है ये सबको सिर्फ छांटते हैं और फिर धो के डाल देते हैं चावल, ठीक है। इसमें धोएंगे तो फटक लेती हूँ पहले मैं चावल धो ली हूँ, अब ये चावल को डालती हूँ इसमें। और ये देखिए आग तो बुझ जाता है थोड़ा सा कहीं जाती हूँ, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे डालते हैं। मेरा घर में ना लाइट है, व्हाइट वाला ही लगा है, पर पता नहीं वोल्टेज नहीं रहता इसकी वजह से कि क्या पूरा अंधकार रहता है घर। ये देख सकते हैं अंदर रूम भी मैं अच्छे से झाड़ू कर ली हूँ, क्लीन हो गया है ये वाला रूम भी और उधर किचन रूम भी। और कतवार मैंने ही फेंकी हूँ, यहाँ देख सकते हैं इतना सारा कचरा निकला है, क्योंकि रात में कचरा नहीं फेंकते हैं मेरे साइड। घर झाड़ू तो हो गया और खाना चढ़ाई हूँ, तो खाना भी नहीं बना है। और खाना बनते तक मैं सब्जी वगैरह काट लेती हूँ ताकि सब्जी बनाऊँ, और बहुत ज़ोर से मुझे भूख लग रहा है, क्या सब्जी बनाऊँ वो भी समझ नहीं आ रहा है। सब्जी कुछ घर में है ही नहीं, आलू है प्याज है बस वही सब है। तो देखते हैं आलू वगैरह को भूंज के फिर खाना खा लूँगी, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। मेरे घर में कोई भी सब्जी नहीं है, ये देख सकते हैं इतना छोटा छोटा आलू माँ चुन के रखी हुई है। इसको दो दो टुकड़ा करते हैं और भुंजिया बनाते हैं। ये देख सकते हैं भुंजिया बन के रेडी है। इसमें ना मैं प्याज मिर्चा और टमाटर और हल्दी और नमक और मसाला भी डाली हूँ, मतलब भुंजिया ही है लेकिन मसाला वाला भुंजिया, क्योंकि झोर तैयार नहीं है। इसे देख सकते हैं चावल भी बन चुका है, तो मैं जाती हूँ खाने, बहुत जोर से भूख लग रहा है। मेरे लिए मैं चावल निकालती हूँ, एक जो ढेर ज़्यादा मैं चावल बना दी हूँ। मेरा भाई आएगा तो इसे खाएगा, वो सुबह में खाया हुआ है। मैं डिनर अच्छे से कर ली हूँ और अभी जाके मेरा भूख मिटा है, इतना भूखा, बहुत ज्यादा भूख लग रहा था मुझे। देखते हैं बिस्तर मैं खुद के लिए बना ली हूँ, चटाई और लिद्रा और इधर तकिया ले ली हूँ और जा रही हूँ अब सोने। सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि कल से मेरा कंफर्मेशन के लिए क्लास है, 6 बजे मुझे कथकुआरी पहुंचना है। अभी बज रहा है 9 और रांची में तो ऐसे 10, 11, 12 बज जाता है मेरा सोते, लेकिन यहाँ गाँव में थोड़े जल्दी सोते हैं। पुआ सो गई है और दुड़वा दुड़ूम जाना है मैंने दी यार की तो कह जो ना समझे जा पुरी इमा की तासी टेका था दुआर टेका था हटो बिर हो भैया के जाती हूँ मैं सोने और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड हाँ प्लीज़ दोस्तों अपने फैमिली वालों को भी ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।